ब्लॉक मार्कंडे के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल पर सेवा बैंक का भी उपयोग किया गया। इस कैंप में लगभग 200 से अधिक मरीजों का चेकअप किया गया। इस कैंप में मरीजों की खून की जांच, आंखों के रोग की जांच और अन्य संबंधित बीमारियां जैसे शुगर के मरीजों की जांच भी की गई। इस मौके पर बीएमओ मार्कंडे डॉक्टर कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में अन्य स्वास्थ्य वर्कर भी मौजूद थे। साथ में एनसीटी कार्ड भी भरे गए और लोगों को नॉन स्मोकिंग के बारे में जागरूक किया गया। इस कैंप में लोगों का आभार भी व्यक्त किया गया। ग्राम जामली में हमने आज एक कैंप का आयोजन किया, जिसका हमारा मेन उद्देश्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो ऐसी बीमारियां जो नॉन ट्रांसमिसिबल होती हैं, नॉन इन्फेक्शनेबल होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती, इनके बारे में हमने पब्लिक को जागरूक किया। और इसमें ग्लोबली दिन प्रतिदिन बीमारियों का वर्णन बढ़ता जा रहा है। हर साल करीबन 30 मिलियन डेथ जो है इन एनसीडी मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली जो कॉज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसका रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन। तो हमने आज हाइपरटेंशन के मरीजों को स्क्रीन किया। इसके अलावा हमने डायबिटिक पेशेंट और कैंसर, मोस्टली ओरल कैंसर पेशेंट को स्क्रीन किया। और हमारे साथ इसमें ऑप्थाल्मिक ऑफिसर का भी काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने कैटरेक्ट जैसी बीमारियों को स्क्रीन करने का काम किया। ब्लॉक मार्कंड के ग्राम पंचायत छडोल के जामली गांव में एक कैंप लगाया गया, जिसमें बीएमओ मार्कंड भी उपस्थित थे। इसमें आज जो है हमने एक इसमें जो है आइज के स्पेशलिस्ट आए हुए थे, और इसके अलावा हमने शुगर, बीपी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर कैंप लगाया था, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके और उनको उचित उपचार दिया जा सके। ठीक है, आज यहाँ करीब 200 से अधिक लोग आए थे, जिन्होंने इस कैंप का फायदा उठाया है और उनको काफी लाभ भी मिला है। इस मौके पर डॉक्टर मनोज, डॉक्टर आर के कश्यप, डॉक्टर कनक शर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार, एमपीडब्ल्यू कर्मचारी जोगिंदर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।